नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अनुदेशक भाई बहनों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, जिन विद्यालयों में अब बच्चों की संख्या 100 से कम हो जाएगी, वहां से अनुदेशकों को हटाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही साथ अनुदेशकों को मात्र 7,000 रुपए मानदेय देने पर भी सरकार से जवाब माना है। यानी कि एक काफी लंबे समय के बाद अनुदेशकों को अब एक बहुत अच्छी खबर सुनने को मिल रही है। अभी मैं इस खबर को आपको पूरा दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। दोस्तों, यूपी में प्राइम जूनियर स्कूलों में अनुदेशकों को 7,000 रुपए वेतन देने के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले में अदालत ने 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। आइए हम जानते हैं मेन पॉइंट कौन से हैं। अनुदेशकों के कम मानदेय पर के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शासन से जवाब मांगा है। यूपी में अनुदेशकों को चपरासी से भी कम वेतन देने का आरोप, कोर्ट का सरकार को नोटिस। गोरखपुर में नियुक्त अनुदेशकों को स्कूल से हटाने के आदेश पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए यूपी के प्राइमरी स्कूल में नियुक्त अनुदेशकों को 7,000 रुपए मानदेय देने के मुद्दे पर राज्य सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने अनुदेशकों का मानदेय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के न्यूनतम वेतन से भी कम के विषय में सरकार को जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने गोरखपुर में नियुक्त अनुदेशकों को 100 से कम छात्र संख्या के कारण स्कूल से हटाने के आदेश पर भी रोक लगा दी है और सातों याची अनुदेशकों को 31 जनवरी 2013 के शासनादेश के तहत कार्य करने और मानदेय का भुगतान देने के निर्देश भी दिए हैं। यही नहीं, अनुदेशकों का मानदेय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यूनतम वेतन से भी कम सिर्फ 7,000 रुपए के मुद्दे होने पर भी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 3 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है। तो ये जो खबर है ये काफी अच्छी खबर है, क्योंकि इसमें दोनों ही जो मुद्दे हैं अनुदेशकों के, एक 7,000 रुपए मानदेय को लेकर और दूसरा जो है वो 100 बच्चों की बाध्यता को लेकर, तो 100 बच्चों की बाध्यता वाली चीज जो है उस पे तो हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से रोक लगा दी है। ये काफी अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत सारे अनुदेशक भाई बहन ऐसे हैं जो बच्चों की बाध्यता के चक्कर में उनका जो है वो नवीकरण नहीं होता है और उन्हें 1 साल या 2 साल जब तक दोबारा बच्चे 100 नहीं हो जाते हैं तब तक उनको विद्यालय जाने को नहीं मिलता है, जिससे उनकी नौकरी में काफी गैप हो जाता है। एक तो वैसे ही मानदेय 7,000 रुपए है और उसके बावजूद ये 100 बच्चों की देता जो है वो अनुदेशकों के लिए एक बहुत बड़ा रोड़ा बनी हुई थी। तो इस चीज को लेके अनुदेशकों के संबंध में जो बहुत अच्छी खबर सुनने को मिली है कि 100 बच्चों की बाध्यता पर रोक लगाई गई है और साथ ही साथ जो 7,000 रुपए का मामला है उस पर भी सरकार से जवाब मांगा गया है कि कैसे एक अध्यापक, एक टीचर, जो अनुदेशक जो पढ़ाते हैं स्कूल में, उन्हें आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से भी न्यूनतम वेतन दे रहे हैं। जी हां, एक चपरासी से भी कम वेतन इस समय अनुदेशकों को मिल रहा है, 7,000 रुपए मात्र, और जो 17,000 रुपए केंद्र सरकार के द्वारा किए गए थे उस पर भी अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन उस पर भी जो अपडेट थी वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको डाली थी, उसके लिए आप चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए ये बहुत अच्छी खुशखबरी अनुदेशकों के लिए कि 100 बच्चों की बाध्यता पर जो है वो हाईकोर्ट ने रोक लगाई है और 7,000 रुपए मानदेय पर भी सरकार से 3 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। इस पर जो भी अपडेट आती है वो लगातार मैं अपने चैनल पर आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। थैंक यू।